Hello people, what's up? Welcome to my channel that is Grace with Fashion featuring Nishi Abhani. And सुबह सुबह आज मेरा शूट है और शिवम जो मेरा फोटोग्राफर है मुझे बहुत गंदी नज़रों से घूर रहा है कि इतनी सुबह मैंने उसको कैसे उठा दिया, बट मैं भी उठी हूँ तुम्हारे साथ. ओ भाई, हम पहले उठे थे. तुम पहले उठे थे? मैंने तुम्हें कॉल करके उठाया है पहले. भाई हम 7:30 बजे उठे हुए थे. ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं. चुप रहो. तो आज का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज मैं कुछ खाना बनाने वाली हूँ शाम को. अभी तो बहुत सुबह सुबह हो रही है. सो यार, स्टे ट्यून्ड विद टुडेज व्लॉग. खा रही हूँ मैगी और ये है पतंजलि वाली मैगी और ये है आटा वाली मैगी. तो पतंजलि वाली थोड़ी सी बड़ी थी बट ख़त्म करनी थी तो मैं बना रही हूँ. बाकी मुझे लगता है आटा मैगी अच्छी रहती है, बेटर देन अ मैदा मैगी. What is your opinion, guys? My opinion and is कि मैदे हो चाहे आटा हो, सब में मैदा होता है. But मुझे वह होता है कि it is digestible. Like आटा मैगी is much more digestible. This is just marketing strategy. Okay. चलिए, बड़े भैया जैसा बोल रहे हैं, फिलहाल मैगी खाने के बहाने चाहिए होते हैं तो मैं खा रही हूँ. ऑल्सो ऋषि इज बीइंग अ गुड बॉय. इसको मैंने बहुत लालच देने की कोशिश की, ऋषि मैगी खाओगे खाओगे. But as you can see, he has become handsome and hot. So he is not eating Maggi and he is controlling. So good, good going. कब तक चलेगा ये? Forever. We will see that. For now, I am cooking Maggi and मैं आपको बताऊंगी. उसके बाद हम लोग एक बहुत अच्छी रेसिपी कुक करने वाले हैं. That is going to be वेरी हेल्दी अगेन. नॉट हेल्दी लाइक दिस मैगी, बट हाँ वो बहुत हेल्दी होगी और बहुत अच्छी भी होगी. सो या स्टे ट्यून्ड. मैगी इज कुकिंग. गाइस, आपको कैसी मैगी पसंद है? थोड़ी गीली वाली पसंद है कि जो पूरा वाटर सोक्ड होती है वो वाली पसंद है? लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. मैं थोड़ा सा गीला और इस टेक्सचर में मैगी खाती हूँ. जितनी लालच आ रहा है, आई होप बहुत सारे लोग ये देख के अब मैगी बनाने जाएंगे. मुझे कमेंट करना अगर आप इसको देख के मैगी खा रहे हो. बैक कि आज मैं बना रही हूँ मॉम के साथ कुकिंग. सो व्हाट आर वी कुकिंग मॉमी? वी आर मेकिंग पिज्जा पराठा. सो एज डिफिकल्ट एज इट साउंड्स, बट इट इज नॉट. लेट मी शो यू व्हाट ऑल यू नीड टू जस्ट मेक सच अ हेल्दी स्टफ विच इज मच मोर हेल्दियर देन अ पिज्जा. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू मेक अ पिज्जा पराठा. So all we need is tomatoes, this is paneer and ये जो मसाला है tomato sauce and some oregano जो अभी हम last में use करेंगे. So let's get started. Mummy come on, we need your help. हाँ, should I make roti? नहीं, हम लोग रोटी मैं बनाऊंगी. ओके, चलो डन. अगर मेरी रोटी टेढ़ी मेढ़ी हुई तो मेरी सासू माँ मारेगी मुझे? नहीं, क्यों मारेगी? तुम्हारी सासू माँ इतनी स्वीट है. ठीक है, उसको गोल कर देगी वो. सो मम्मी, मैं रोटी बना रही हूँ. लेकिन मैं बनाती थी जब लॉकडाउन होता था, तभी भी मैं बनाती थी गोल गोल रोटी मम्मी की तरह. मम्मी आप गोल कहाँ हो? अभी मैं आपका अटायर दिखाऊंगी, लोग बोलेंगे आप तो और यंग हो गई हो. पराठा एंड ये अब हम लोगों ने निकाला है. सो दिस इज द पिज्जा कटर. अब हम इसको स्लाइसेस पे कट कर देंगे. फोर स्लाइस मतलब पूरा कट नहीं करेंगे, सिर्फ कट देंगे. ओके, एकदम कट ना होना चाहिए बस. आखिर में अगर हम लोग रोटी हाफ फोल्ड हो. ओके, दिस इज
गिव अ क्रॉस बस एक कट दे रहे हमने क्रॉस का कट नाउ द टोमेटोज हम लोग डाल कॉलम में 11 टोमेटोज वी आर गोना पुट गैस को ऑफ कर देंगे अगर आपका ज्यादा गर्म हो गया तो अब हम लोग देने वाले हैं और दूसरा यू नो फ्रेश पनीर होमली कुक्ड पनीर विच विल गिव यू अ चीजी इफेक्ट एंड मम्मी हम लोग इसमें और भी कोई वेजिटेबल्स डाल सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल थिन स्लाइस ऑफ शिमला मिर्च अनियन कॉर्न्स एनीथिंग यू कैन ऐड जो भी आप इसमें ऐड करने चाहो बट हेल्दी अगर आप इसमें चीज और वो सब ऐड कर दोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है इसको खाने का नाउ आई एम पुटिंग ओरिगैनो तो अब मम्मी इस पे डालेंगी ओरिगैनो ऊपर से स्प्रिंकल्स ऑफ ओरिगैनो इस रोटी को हम लोग कवर कर देंगे प्लेट से यस कितनी देर में कवर कितनी देर के लिए कवर करना है बस जब तक ये आपका हीट हो जाए टॉप ऑफ द प्लेट ऊपर वाला पार्ट हीट ऊपर वाला प्लेट हीट हो जाए ठीक है और अगर पराठा कैसे हम लोग बताएं कि जले ना पराठा आप बीच में फ्लेम ऑफ भी कर सकते हो ऑफ भी कर सकते हो ओके मतलब ज्यादा फ्लेम हाई नहीं रखना है क्योंकि पराठा जल भी सकता है क्योंकि उसकी वेजीज होती है वो कुक करनी वो स्टीम से कुक स्टीम से कुक होगी ओके सो आप अपने वेजिटेबल्स को मशरूम्स ऑलिव्स पनीर एंड चीज यस नॉट चीज इज वेरी फैटी चीज नहीं हेल्दी वेजिटेबल्स को सॉर्ट कर सकते हो अपना एक यू नो उसमें अनियंस टोमेटोज शिमला मिर्च कलर्ड वाले शिमला मिर्च कढ़ाई में अलग से सॉर्ट कर लो फाइन फाइन चॉप करके सारे वेजिटेबल्स डाल दो उसमें थोड़े बहुत मसाले मिला दो एंड उसको कुक कर दो थोड़ा सा सेमी कुक कर दो सारे वेजिटेबल्स को एंड देन यू कैन ऐड टू योर पराठा लाइक दिस और ऊपर सारे ओरिगैनो मिला दो बस इसमें पिज्जा पराठा और जो मेन पिज्जा था उसमें ये डिफरेंस है यू विल गेट अ रोटी एंड इट विल बी फैट फ्री नो चीज आपको जितना सॉस पसंद है आप उतना सॉस ऐड करो ज्यादा सॉस मत ऐड करना बिकॉज इट कैन डिस्ट्रॉय द टेस्ट एंड दिस वॉज ऑल अबाउट पिज्जा पराठा आई होप यू लाइक दिस रेसिपी एंड प्लीज ट्राई करो और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल यू कैन मैसेज मी योर पिज्जा पराठा एंड आई लव टू सी इट एंड रीपोस्ट हम चलेंगे अपने डैड के पास और उनको ये टेस्ट कराएंगे और उनके रिव्यूज डालेंगे अबाउट पिज्जा पराठा ये पिज्जा पराठा इज रेडी पिज्जा पराठा इज रेडी एंड अब हम इसके ऊपर से केचप मिलाएंगे बहुत फोर ट्राइंगल्स में कट कर दिया है ये है पापा वाओ यार क्या पिज्जा पराठा अच्छा आप ये खा चुके ना पहले भी नहीं यार दिखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा है खा चुके ना पहले तो अच्छा खा के बताऊं चलो भैया नहीं ये आप खा चुके हैं पहले यार खा तो चुके हैं अब चीना और मम्मा दोनों ने मिलके बनाया तो बात ही कुछ और होगी यार चलिए एक्चुअली मैं डबल टेस्टी है यार खाना पड़ेगा यार मेरे बच्चे जो है बाहर का शौकीन थे बहुत ज्यादा जंक खाते थे तो मैंने ये इन्वेंट अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ किया था हाँ। मेरी सिस्टर इन लॉ ने बोला था बच्चों को वो जो हमारी फैजाबाद वाली बुआ है सनी बिया की मॉम उन्होंने मुझे किया था खाने तो दो यार अरे खाइए बात ही करोगे खाने भी दोगे मुझे खाइए खाइए गरम गरम हाँ हाँ थैंक यू ये वाला पिज्जा हाँ इसमें यमी यार है ना बना है दाल बढ़िया क्या बना है यही बच्चे आपके खा के बड़े हुए हैं अच्छा पिज्जा पराठा तो मैंने इनको घर में ये बना के दिया तो दे वर सैटिस्फाइड तुम्हें कहीं खा के बच्चा ना हो जाओ यार
और आप हेल्दी हो जाओगे। अच्छा, अरे वाह, वेरी गुड, बहुत टेस्टी यार चीनू, मजा आ गया। तो आप मेरे इंस्टाग्राम मेरे को जितने भी आएंगे पिज्जा पराठा तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे इसे लोगों ने ट्राई किया रेसिपी अपने घर। वाकई लोग ट्राई करेंगे, मजा आएगा। इसमें आप वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। पापा को पसंद आ गया, मतलब आप लोग को भी पसंद आएगा पक्का। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी, होप आपको अच्छी लगी एंड आपको हेल्दी लगी। डू ट्राई दिस एट योर होम एंड या अब हम बोलेंगे बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बाय। थोड़ा एक्साइटमेंट से बोलो, अच्छा बोलो, डर डर 1 2 3 स्टार्ट, बाय।